नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैंने आपको दिखाई थी, किस तरीके से नगरपालिका की टीम नीमच के सबसे बड़े पेयजल स्रोत जाजू सागर डैम पर पहुंची, जहां पर अवैध रूप से खेती की जा रही डूब क्षेत्र की जमीन पर उसे लेकर नगरपालिका कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मैं आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बात किया है, इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी और पवनराज शिंदे जुड़े हुए हैं। किस तरीके से क्या हालात वहाँ पर, हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी हम मौजूद हैं हरकिया खाल डूब क्षेत्र की भूमि के यहां पर कालिया खेड़ी गांव में। आज देख सकते हैं आप कि नगर पालिका की पूरी टीम महिला और लश्कर के साथ कालिया खेड़ी गांव में आई हुई है, क्योंकि इस डूब भूमि क्षेत्र को लेकर लगातार इस बात की शिकायतें हो रही थी कि यहाँ पर अवैध रूप से खेती की जा रही है, पानी की चोरी हो रही है, जमीन में पाइपें बिछा कर मोटर लगाकर डैम जो जाजू सागर बांध है उसका पानी चोरी किया जा रहा है। लगातार शिकायतों के बाद जब सुनवाई में समाज सेवियों के पहुँचने के बाद, गाँव वासियों के पहुँचने के बाद आखिरकार नगर पालिका प्रशासन द्वारा शिकायत हुई, जनप्रतिनिधियों तक शिकायत हुई, नगर पालिका को लगातार इस मामले में घेरा गया और इस बात के भी आरोप लगे कि इस अवैध ढंग से खेती हो रही है, पानी चोरी हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका के जिम्मेदार लोग भी जुड़े हुए हैं। इन सब के बाद लंबी कवायद के बाद आज नगर पालिका की पूरी टीम नीमच से करीब 17-18 किलोमीटर दूर डूब क्षेत्र की भूमि पर पहुंची है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम भी यहां पर पहुंची है। आप देख सकते हैं ये निहंगम नजारा है, यहां पर सारे लोग मौजूद है नगर पालिका के सारे अधिकारी सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ सहित यहां पर है। अभी के साथ अब्दुल अली ईरानी।